चार बार आप मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है आपको, आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे संभावना है आपको, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी, लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे रहा, लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप, एक चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना इतना बेहतरीन होता है, चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माई नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव, बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा. तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं तो सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट. बट अगेन लाइक आई सेड, अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो दिस इज बेटर देन मी. लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पिछले साल तो कुछ भी आया नहीं मेरे ख्याल, और आप तो जो करती हैं माशाल्लाह. नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंधाधुन में. आई एम फ्लोर्ड बाय व्हाट शी इज डन. सो ऐसा ही है, पर अब की साल में आई मीन इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा. आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट. पर मेरे मुझे तो नहीं लगता हो सकता है. आप कुछ दिनों से कहीं गई भी थी, आप मतलब अपने आप को पूरा अलग कर लिया था, आप लोगों से दूर चली गई थी 10 दिन, कहाँ मतलब पूरी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में हाथ हो, मैं रोज सुनता हूँ लोगों को कि कोई आया नहीं अभी तक ट्विटर व्यूटर पर कहीं से. Well, I'm glad to know that I was missed. I'm very happy that I was missed and my presence was missed. सबसे ज़्यादा I think जो मेरे साइलेंस पे जाने से मुझे लगता है आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया था. बट येस, मुझे लगता है सब लोगों को अपने लिए ये वक्त निकालना चाहिए. एंड हम लोगों का जो कल्चर था, हम लोगों का ट्रेडिशन में स्पिरिचुअलिटी वॉज समथिंग दैट पीपल एक्टिवली परसूड. आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है, उनको लगता है यू नो दे हैव लाइफ कोचेस, दे हैव थेरेपीज, वो लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना कुछ गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन देयर इनर वेल बीइंग. तो आई वुड लाइक टू इनकरेज पीपल, तभी मैं ये अब बता के जाती हूँ, पहले मैं बताती नहीं थी. लेकिन अब मुझे जब लोग इतना पूछते हैं कि हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ एंड आप इतना इवॉल्व होते हो, सो देन आई थिंक दैट आई शुड बी ओपन अबाउट इट, इसीलिए मैं बता के जाती हूँ. कोयम्बटूर, बट देर आर लॉट ऑफ आश्रम्स लाइक दैट, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर परस्यूइंग यू नो इनर वेल बीइंग, योगा, सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स वेयर यू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इन्हांस योर सेल्फ. जो भी आप हैं उसको इन्हांस करिए, चाहे आपका स्टेमिना हो, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन हो, फोकस हो, योर इंटेलेक्ट, एवरीथिंग, यू शुड इन्हांस योर सेल्फ. That's why these techniques.